जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान समाप्त हो चुका है पंचायती राज का, और आज जो है गिनती का दौर जारी है। मैं हूं अभी बाजार समिति बेगूसराय में, और चारों तरफ एक बार कैमरामैन भाई साहब दिखाइए कि किस तरीके से प्रत्याशियों का भीड़ है, क्योंकि यहां जितने लोग हैं सभी के सभी प्रत्याशी हैं और सभी के सभी अपने मुकद्दर का इंतजार कर रहे हैं, अपने लक का इंतजार कर रहे हैं। जनता का जो प्यार और वोट मिला है इन्हें, उसकी गिनती का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं हमारे हिस्से में कुछ आ जाए। चलिए पता करते हैं, यहाँ के लोगों से ही बातें करेंगे जो भी लोग हैं प्रत्याशी, क्योंकि आइए हमारे साथ हैं एक, इधर जरा दिखाइए, बहुत फेमस प्रत्याशी हैं मुख्तियारपुर पंचायत क्षेत्र के। आप शायद पंचायत समिति की उम्मीदवारी थी उमेश जी आपकी? जी जी। क्या लगता है आपको? लगता है ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, मायूस मत होइए, देखिए आखिरी दिन है ये, ठीक है ना। आज आज सबसे 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 बड़ी बात है जो सभी लोगों का किस्मत बंद है। अच्छा। और जनता जो वोटिंग किया है उसका कॉन्फिडेंस के साथ में किसी के पक्ष में वोटिंग नहीं किया गया है। अच्छा। इसलिए थोड़ा सा सभी लोगों के मन में रहता है जो क्या होगा नहीं होगा, इसको लेकर सभी लोगों के मन में उहापोह चल रहा है कहीं से। हम अपने बीएनपी के दर्शकों को एक चीज बता देना चाहते हैं कि इस बार में जो बिहार में पंचायती राज का चुनाव हुआ उसमें एक चीज बहुत खास थी, वो क्या था कि यहां की जो जनता है ना वो बहुत संभल गई थी वोटिंग करने को लेकर, और लास्ट लास्ट तक चुनाव के दिन तक भी जनता जो है ये बात खोलने को तैयार नहीं थी कि वो किस जनप्रतिनिधि को चुन रहे हैं। मामला यही था, इसीलिए जितने भी जनप्रतिनिधि हुए, जितने भी प्रतिदिन जिन्होंने वोट लड़ा या चुनाव लड़ा, उनके साथ दिक्कत यही है कि वो कंफर्म नहीं है अपने आप में कि उनको वोट आया है या नहीं आया है। और भी है हमारे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र पासवान है। अच्छा, आप उम्मीदवार लग रहे हैं हमको। बिल्कुल। कौन पद के लिए उम्मीदवारी था? मैं पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 2 मुख्तियारपुर ग्राम पंचायत राज। देखिए एक ही पंचायत के दो दो आदमी है ना, दो दो पंचायत समिति होता है वहाँ। कितना वार्ड था आपके पंचायत में? मेरे पंचायत में 21 वार्ड है। कितना आपके अंदर आता है? मेरे अंदर 8 और एक में 1 से 13 वार्ड। क्या लगता है जीत जाइएगा? उम्मीद तो ये है, लेकिन मेरा भाग बक्से में बंद है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा, जैसा करेगा जैसा भरेगा, मतलब नहीं समझे। आप अपनी बात करिए ना, आप जीत रहे हो कि नहीं जीत रहे हो ये बताओ। जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और मैं जीतूंगा, है ना, इसकी गारंटी है। चलिए ऐसा सीधा कहिए, देखिए अपोनेंट अभी चला गया, वो चुनाव तक था, ठीक है ना, आपका अपोनेंट। तो जो मामले निकल कर सामने आ रहे, पीछे दिखाइए, सारे युवा हैं, इधर भी हैं कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? आजाद कुमार। उम्मीदवार हैं आप? नहीं नहीं, हम भाई के हैं। अच्छा, मेरा भाई है। अच्छा, आपके भाई उम्मीदवार हैं। किस चीज की उम्मीदवारी? समिति, पंचायत समिति। अरे पंचायत समिति पे जोर क्यों है इस बार पंचायत चुनाव में, प्रमुख बनने के लिए? क्या आप जैसे मीडिया वालों को पंचायत समिति सिर्फ मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे हमको सिर्फ पंचायत समिति ही मिल रहे हैं। सौभाग्यशाली हैं कि पंचायत समितियों के बीच में हम भी खड़े हैं। अच्छा अच्छा। और मेरा भाई का उम्मीद का किरण जो है साफ झल दिखाई दे रहा है। अच्छा। कि वो विजय होगा ही। हाँ, अभी तक जैसा मैं अंदर गया था और मुझे जो पता चला है कि लगभग 3 पंचायतों का जो है वो नामांकन खत्म हो चुका है और सबके रिजल्ट थोड़ी देर में सामने आने वाले हैं, और भी सारे लोग हैं। क्या लगता है भैया जी, इतना भीड़ में आए हैं बिना मास्क पहने? मास्क तो हम भी नहीं पहने हैं, कोरोना थोड़ा घट गया है। आप उम्मीदवार हैं? जी नहीं। अच्छा, उम्मीदवार के साथ आए हैं? जी जी। आप उम्मीदवार हैं? मैं मतगणना अभी करता हूँ। अच्छा। काजी रसलपुर पंचायत से आया हूँ। मतगणना करते हैं आप? अभी गणना अभी करता हूँ। अच्छा, गणना अभी करता है जी, बताइए क्या माहौल है? माहौल चेंजिंग का माहौल है। शायद कोई पदाधिकारी आ रहे हैं। पदाधिकारी आ रहे हैं, देखिए जो माहौल है वो मैं हमें। हाँ जी हाँ जी, बताओ आप, बताओ बताओ। काजी, मैं काजी रसलपुर पंचायत से आता हूँ। जी, मेरे रसलपुर पंचायत जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं राम प्रकाश पासवान जी। अच्छा। वो अच्छे मतों से लीड करेंगे, ये मैं मतलब आशा व्यक्त करता हूँ। आशा व्यक्त कर रहे हैं आप, यहाँ काम भी कर रहे हैं उनके लिए आशा भी व्यक्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। आपके ग्रामीण है वो? नहीं सर। तो मैं चौधरी हूँ, मैं बाईकास्ट भूमियार हूँ, वो पासवान है, फिर वो मेरे पंचायत से भी नहीं है, फिर भी मैं उनके लिए आशा व्यक्त करता हूँ। जान पहचान होगी ना भैया जी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिना जान पहचान का आदमी आशा व्यक्त करता है कोई? नहीं, है ना। देखिए चारों तरफ का जो माहौल है अभी जो है, बढ़िया पदाधिकारी महोदय का पूरा जो जखीरा है वो यहाँ पहुँच चुका है बाजार समिति, और किस तरीके से जनगणना का पूरा माहौल चल रहा है वो उसको देखने आए हैं। एसपी साहब खुद हैं, अवकाश कुमार जी। मैं चाहूँगा कि सर से एक बार मेरी बात हो जाए, जो माहौल है, क्योंकि यहाँ जो है आवश्यकता से अधिक लोग हैं, पता नहीं क्यों हैं। जो माहौल था अभी, मैंने आपको डीएम साहब का भी बाइट दिखाया, यही होता है युवाओं का जोश। देखिए टपना नहीं चाह रहे थे, उधर से नीचे से झुक के निकल गए।
बेहतरीन माहौल लगता है। इधर दोनों लोगों का मिलन हो गया, हमारे जिला पदाधिकारी और एसपी साहब का, दोनों एक ही साथ हैं। कैमरा वाले भाई साहब थोड़ा ऊपर चढ़ के दिखाइए क्या माहौल चल रहा है, आपस में बातें हो रही हैं माहौल को लेकर कि चुनाव की जनगणना कैसे चल रही है। लगातार जिला प्रशासन, बिहार सरकार और बिहार सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था जनगणना केंद्र पर सक्रिय है। डीएम साहब स्वयं हैं, एसपी साहब भी उनके साथ हैं। यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, एक बार दिखाइए महिलाओं को, ढेर सारे लोग हैं। होता क्या है कि पंचायत चुनाव में ना महिला उम्मीदवारी होती है ना, पर उनके जो घर के पुरुष होते हैं उनका प्रतिनिधित्व तो करते हैं। आप में से कौन कौन उम्मीदवार हैं यहाँ? आप उम्मीदवार हैं, कहाँ से उम्मीदवार हैं? महेशपुर पंचायत। महेशपुर पंचायत, किस चीज की उम्मीदवारी? सरपंच। सरपंच की? सरपंच का तो बहुत बड़ा क्षेत्र होता है मैडम, सरपंच क्यों बनना चाहते हैं? क्यों, समाज सेवा करने के लिए सरपंच बनना। किस तरह का समाज सेवा? हर सब सुखी रहे हमारे समाज, कोई कष्ट हमारे समाज में नहीं हो। इससे पहले कभी चुनाव जीते थे? हाँ सर, दो बार। क्या बने थे? हमारे पति दो बार सरपंच। सरपंच थे आपके पति, थे आप नहीं थे? चलिए इस बार आप बने हैं। देखिए उम्मीदवारी इनकी भी है। मैडम मैडम इधर इधर इधर, क्या नाम है आपका? सनिया देवी। किस चीज का उम्मीदवार हैं आप? चार वार्ड का पंच। पंच हैं आप? अच्छा अच्छा अच्छा, और भी कोई उम्मीदवार हैं मुखिया क्या? हाँ जी सर जी, नाम कहिए। मेरा नाम खुर्शीद आलम है। हाँ खुर्शीद आलम जी, कहाँ से हैं? भगवानपुर प्रखंड चंदौर पंचायत के मैं उप सरपंच रह चुका हूँ 5 साल। अब सरपंच की लड़ाई लड़ रहा हूँ और भारी बहुमत से मैं जीत रहा हूँ। हमारे पीछे 7 आदमी है, मैं 8वां आदमी हूँ। अच्छा, मेरा नाम खुर्शीद आलम है। तो सर उप सरपंच आप रह चुके हैं ना सर, एक चीज हमको बताइए कि उप सरपंच के अंदर किस किस तरह के कार्य आते हैं? कार्य आते हैं लड़ाई झगड़ा। अच्छा। मारपीट, कोई गलत ढंग से कोई पानी तानी नदी में गंदा ना करे, गंदगी ना फैलावे। सिर्फ इतनी ही जवाबदेही है? हाँ, कि समाज में जो अगर कुछ अनैतिकता फैल रहा है तो उसको समेटना है, उसको रोकना है। लड़ाई झगड़ा नहीं होने देना। आज तक मैंने एक भी केस थाना नहीं जाने दिया। अच्छा। और जो भी थाना गया सबको कंप्रोमाइज करके वापिस ले आया। तो भगवानपुर थाना बेकार है सर? हमारे सरपंच साहब नहीं निभा सके इस कार्य को, लेकिन मैंने संभाल लिया पूरे पंचायत को। अच्छा। अब फिर सरपंच बनने जा, सारी जनता हमारे तरफ एक तरफा वोट की है। मेरा बल्ब छाप था 4 नंबर पर था मैं। अच्छा, बहुत भारी मत से मैं जीत रहा हूँ। बहुत भारी मत से जीत रहे हैं कुर्सी जी। और भी मतलब उम्मीदवारी आप ही की थी? 8 आदमी। हाँ 8 आदमी। चलिए चलिए बेहतरीन। देखिए किस लेवल का कॉन्फिडेंस है लोगों में यहाँ पे, इस यही चीज जो है ये देखने वाली हो जाती है। महिलाएं भी जो है कम नहीं है। नीतीश कुमार जी कुछ करे या ना करे, मगर सुशासन बाबू ये जरूर कर दिए कि महिलाओं को जो है बिहार की राजनीति में हिस्सा लेने का अवसर दे दिया। और यही नतीजा है कि आज 100 में से 60 उम्मीदवार जो है वो महिलाएं ही हैं। लगातार जो भीड़ है, जो माहौल है, वो देखकर ऐसा महसूस करते हैं हम कि जब जनगणना संपन्न होगा तो अधिकतर लोग खुश होंगे और अपनी दावेदारी को लेकर आगे जाएंगे। ठीक है भैया, लगातार आप बने रहिए बीएनपी न्यूज के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होंगे आपकी सेवा में। नमस्कार।